हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन सौरभ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानालय पे फिर से एक बार फ्रेंड्स एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जो कि 10 क्लास का एक ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके यूट्यूब चैनल का थोड़ा इंट्रो देते हैं। फ्रेंड्स, ये ज्ञानालय चैनल है जिसपे कि 9 और 10 क्लास का मैथ और साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स, जो कि कम्प्लीट एनालिसिस और क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 3 ग्रीक वर्ड्स जिसमें कि पहला जो आता है फ्रेंड्स वो ट्राई है, जिसका की मीनिंग है 3। दूसरा है फ्रेंड्स गोनिया, जिसका की मीनिंग है एंगल। और लास्ट जो है वो मेट्री है, जिसका मतलब होता है मेजर। तो हम लोग फ्रेंड्स कह सकते हैं डेट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। इसी को हम लोग फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में फ्रेंड्स इसकी एक और रिलेशनशिप होती है कि ट्रेंगल में द रिलेशनशिप ऑफ ए साइड एंड एंगल इन अ ट्रेंगल, यानी कि ट्रेंगल में खास करके राइट ट्रेंगल में इसका एंगल और साइड के बीच का एक रिलेशनशिप होता है। फ्रेंड्स इसका कुछ हम लोग जानते हैं कि डेली लाइफ में यूज किया फ्रेंड्स। तो इसका यूज की अगर हम बात करते हैं तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि एनिशियंट टाइम में भी इसका यूज करते थे। जैसे अगर हम किसी सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज हम लोग करते थे फ्रेंड्स। अब इसका कुछ हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करते हैं कि कोई एच हाइट का एक टावर है, जो कि जिसका बेस से कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है और वो इस टावर के टॉप का ऑब्जर्व कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम इस टावर की हाइट को फाइंड कर सकते हैं इसी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। अगर यहाँ पे हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व करना होगा, जो कि ये 90 डिग्री है। तो और एक दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल है फ्रेंड्स, जिसमें कि क्या करते हैं, हम एक रिवर लेते हैं और रिवर के एक बैंक पे कोई सपोज करते हैं किनारे में कोई कुछ बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे कोई पर्सन है जो कि दूसरे बैंक के स्टेयर पे कुछ पॉट रखा हुआ, तो वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, इसका बैंक का विड्थ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज है जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। अब आगे फ्रेंड्स इसमें इसकी शुरुआत कहाँ हुई, अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसका शुरुआत इजिप्ट और बेबीलोन में हुआ था फ्रेंड्स। इजिप्ट और बेबीलोन दो कंट्री है, जो कि इजिप्ट एंड बेबीलोन, यही दो जगह पे इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इसका और ये लगभग 140 बीसी में इसका स्टार्टिंग किया गया था। 140 बीसी में इसका स्टार्टिंग किया गया था। तो ये था कुछ इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है आपका फ्रेंड्स सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक्स है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें कि हम लोग पहल सिलेबस में यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने से पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेबल होता है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। और एक बात और, राइट एंगल ट्रायंगल पे तो डिपेंड है, लेकिन 10 क्लास की जो सिलेबस है वो ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल पे डिपेंडेबल है, यानी कहें तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यही एक्यूट एंगल होता है। तो इसी पे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ना है।
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये थ्री साइड से मिलकर बना हुआ राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि थ्री साइड्स, जिसका कि अपना अलग अलग नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस इसको हम लोग बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग शॉर्ट में भी बोल सकते हैं ये पी, ये बी और ये एच। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल के लिए पढ़ेंगे, यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री के लिए। तो ये थ्री साइड्स हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो हम अगर हाइपोटेनस की बात सबसे पहले करते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है फ्रेंड्स, वो ये हाइपोटेनस होता है, और ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं कर सकता फ्रेंड्स। चेंज जो वैरी करता है वो परपेंडिकुलर और बेस। कहने का मतलब ये चेंज क्यों, वैरी का मतलब ये है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस आएगा और बेस परपेंडिकुलर के जगह पे आएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स डिपेंड करेगा ये जो दो एक्यूट एंगल बना हुआ है, ये एक्यूट एंगल जो है उसी पे डिपेंड करेगा कि कब ए बी परपेंडिकुलर होगा, कब बी सी बेस होगा, या फिर कब बी सी परपेंडिकुलर होगा और ए बी बेस होगा। तो यहाँ पे बात ये है फ्रेंड्स कि दो एंगल है, इस दो एंगल को हम लोग कुछ नाम नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला एंगल है एंगल ए सी बी, इसका नेमिंग अगर हम लोग थीटा से करते हैं फ्रेंड्स, और एक एंगल है एंगल बी ए सी, इसका नेमिंग अगर हम लोग अल्फा से करते हैं। तो ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, क्योंकि यहाँ हम लोग जो एंगल ले रहे हैं ये एंगल वेरिएबल टर्म है। तो हम लोग सपोज कुछ कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, न्यू, ये सारा कुछ लोग हम लोग लेते हैं, और भी बहुत सारा टर्म है फ्रेंड्स जिसको कि हम लोग ग्रीक वर्ड्स में पढ़ते हैं। तो इसी को हम लोग अलग अलग सपोज किए कि ये एंगल अल्फा थीटा है और ये एंगल अल्फा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि कब ये परपेंडिकुलर होगा और ये कब बेस होगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले लेकर चलते हैं फ्रेंड्स फोर एंगल ए सी बी के लिए, ए सी बी की बात करेंगे, तो ये थीटा दिया हुआ है। तो अगर हम इस ए सी बी की बात करते हैं जो कि थीटा दिया हुआ है, जस्ट इसका जो अपोजिट एंगल होगा फ्रेंड, जो अपोजिट साइड्स थीटा का, यानी एंगल ए सी बी का जो अपोजिट साइड जो कि ए बी है, ये परपेंडिकुलर होगा। इस कंडीशन में ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर है। और जिस साइड पे, यानी जो ये जब परपेंडिकुलर हुआ ए बी, तो ए बी का जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ए वी इज कॉल्ड बेस, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। इसको अगर हम हिंदी में लेकर चले फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको आधार, अब एक लास्ट जो बचा एसी, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, और इसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग इस साइड को देखें तो कॉन्स्टेंट रहा। अब हम आगे देखते हैं फोर एंगल बी ए सी के लिए, फोर एंगल बी ए सी के लिए, फोर एंगल बी ए सी जो कि हम लोग अल्फा सपोज किए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी जैसा कि हम बताए थे कि जिस एंगल की हम लोग बात करते हैं, जस्ट उसका अपोजिट साइड को देखते हैं। तो एंगल बी ए सी की अपोजिट साइड बी सी है, तो बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। और जब ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर का जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है, यानी ए बी, ए बी जो है ये बेस हो जाएगा,
और एसी जैसा कि बताए थे कि ये कॉन्स्टेंट होता है दोनों एंगल के कंडीशन में, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो ये तीन साइड्स फ्रेंड्स हम लोग अलग अलग लेते हैं, जिसमें कि कर्व हाइपोटेनस कॉन्स्टेंट है और इसमें हम लोग एक्यूट एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये देख लिए कि थ्री साइड्स होता है। अब आगे इसमें फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा जिसको कि हम लोग बात करते हैं और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की भी बात करते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो ये सिक्स रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है। ये सिक्स रेशियो क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले की बात करते हैं तो ये साइन, कोसाइन, इसको आप चाहे फ्रेंड्स तो नोट भी कर सकते हैं, कोसाइन, टेंजेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा एक्सरसाइज में आपका हेल्पफुल होगा और इसी पे क्वेश्चन बेस्ड होगा। फोर नंबर में कोटजेंट, सेकेंड और सिक्स नंबर में कोसेकेंट, ये इसका कंप्लीट नेम है फ्रेंड्स। अब इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, तो साइन को हम लोग साइन लिखते हैं, कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोटजेंट को कोट, सेकेंट को सेक और कोसेकेंट को कोसेक। तो यही सिक्स रेशियो है और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स। अब इसका रिलेशन, ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका रिलेशन इस राइट एंगल ट्रेंगल की एक्यूट एंगल और उसके थ्री साइड के साथ रिलेशन हम लोग रिलेट करते हैं। जैसे कि ये एबीसी राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें ये पी, ये बी और ये एच, तो इसी थ्री साइड्स के साथ और इसमें जो दो एंगल हैं इसी दो एंगल के साथ रिलेट करते हैं। तो ये एंगल थीटा है फ्रेंड्स, सपोज किए ये एंगल अल्फ़ा है जैसा कि हम लोग पीछे लेकर चल रहे हैं, तो थीटा और ये अल्फ़ा। तो ये जो ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको हम इस राइट एंगल ट्रेंगल की साइड्स और एंगल के साथ रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या फ्रेंड्स कि ये जो राइट साइन सबसे पहले लेकर चलते हैं साइन हम, और पहले यहाँ लिख देते हैं फोर एंगल बी ए सी बी, फोर एंगल ए सी बी जो कि थीटा है इसके लिए लेकर चलेंगे, इस एक्यूट के लिए लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ क्या है फ्रेंड, साइन के साथ हम इस एंगल को रिलेट करेंगे क्योंकि इस एंगल को चूज किए हैं, तो साइन थीटा इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा। और ये साइन थीटा अब ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आ गया जो कि इस राइट एंगल ट्रेंगल के साइड से अब रेशियो में होगा। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो पी और एच के साथ होता है, तो जो कि इसको हम लोग लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी और ये है पी डिवाइडेड बाई एच, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है कॉस थीटा, इसका रिलेशन जो है बेस और हाइपोटेनस से है जो कि बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बाई एच। नेक्स्ट है टेन थीटा, इसका रिलेशन जो है वो पी और बी से है, तो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी और ये है पी बाई बी। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये थ्री रेशियो है। अब नेक्स्ट जो थ्री और बचा वो होता क्या फ्रेंड्स, वो इस तीन का ही अपोजिट होता। जैसे साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की बात करें तो इसका अपोजिट करने का मतलब क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी और ये हो जाएगा एच बाई पी। अब हम नेक्स्ट है कोस, तो कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा,
sec थीटा, तो ये हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई BC, और ये है H बाई B, और लास्ट जो है tan का अपोजिट ये है cot थीटा, और ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AB, और ये है B बाई P, B बाई P। तो ये रहा 6:6 रेशियो और एक दूसरे का अपोजिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रेंड्स, और इसी पे एक्सरसाइज की शुरुआत होगा क्वेश्चन का। तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि अच्छे से याद रह सकता है। तो देखते हैं उस शॉर्ट ट्रिक को।